हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आगे चल के शिक्षक बने, तो पूरी बात को समझिएगा। और इस पर आप सभी का क्या विचार है, आप सभी क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी आप देख सकते हैं परीक्षा निवांग प्राधिकारी द्वारा एक नोटिस भी जारी की गई है, जो कि शिक्षक पात्रता को लेकर है। जहां एक तरफ नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार लाखों प्रशिक्षु कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि स्टेप बरकरार है, यानी कि बात की जाए डीएलएड वर्सेज बीटीसी को लेकर। हाल ही में जब सुनवाई की गई, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा, पहले ही जब यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड किया गया, तभी 8 तारीख को, है ना, 8/4/2022 को ही जो भी बीएड के प्रशिक्षु थे, जो कि प्रथम लेवल पे परीक्षा दिए थे, उनका रिजल्ट जो है पेंडिंग शो हो रहा था, जिस पे परीक्षा निवांग प्राधिकारी ने एक नोट देकर लिखा भी था कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बीएड जो भी प्रशिक्षु हैं उनका रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा। अब वो पूरा मैटर आगे तक पहुँच चुका है, जी हाँ फ्रेंड्स, और अभी भी आपके रिजल्ट, यानी कि जो भी बीएड के प्रशिक्षु हैं उनके रिजल्ट पर स्टे बरकरार है। और नेक्स्ट हियरिंग डेट आप सभी को पता ही है कि 14 जुलाई को होने वाला है, जिस पर एनसीटी से जो भी काउंटर है वो फाइल करने की बात बोली गई है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं, ई पेपर वाले भैया ने भी आर्टिकल पब्लिश किया है कि टेट पास बीएड डिग्री धारकों को पात्रता, यानी कि जो उनका सर्टिफिकेट है उस पर रोक अभी भी लगा है। और यहाँ ये बात रखी जा रही है कि जो भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उनको प्राथमिक लेवल पे प्राथमिकता दे दी जाए, क्योंकि जो भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उनके पास ज़्यादा मौके हैं नहीं, उनको बस प्राथमिक लेवल यानी कि 1 से 5 तक के बच्चों को ही पढ़ाना है। तो फिर इसमें भी अगर इनको प्राथमिकता न मिले तो फिर ये प्रशिक्षु कहाँ जाएंगे। और हर साल लगभग 2 लाख प्रशिक्षु डीएलएड या फिर आप कह सकते हैं बीएड पास करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीटी की तरफ से जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके खिलाफ प्रशिक्षुओं ने, और सबसे पहले आपने देखा होगा पूरा मैटर, क्योंकि बेस बनाया गया जब जोधपुर हाई कोर्ट ने रीट का जो आपका परीक्षा था, ठीक है, जिसमें बीएड जो भी बीएड धारी कैंडिडेट हैं उनका जो भी एनसीटी की गाइडलाइंस है उसको निरस्त कर दिया गया और उनको प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया गया। और इसी को बेस बनाकर यूपी में ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनसीटी से जवाब मांगा है, जो कि 14 जुलाई को फाइल करना है। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक एनसीटी द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है 28/6/2018 को, कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो भी बीएड प्रशिक्षण प्रशिक्षु होंगे उनको भी प्राथमिक स्तर पर जो है यानी कि प्राइमरी लेवल पर अहर्य माना जाएगा, यानी कि उन्हें भी एलिजिबल माना जाएगा। अब इसी एनसीटी की गाइडलाइंस को लेकर कहीं ना कहीं लगभग सभी राज्यों में आप देख सकते हैं, कुछ राज्यों में जो है प्राथमिक लेवल से बीएड को बाहर भी कर दिया गया है। हालांकि अगर यहाँ बात की जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है, ठीक है, बीएड जो भी प्रशिक्षु हैं वो भी अपने हक के लिए जो है यहाँ लड़ रहे हैं। बाकी अब देखिए आगे की प्रक्रियाएं क्या रहती हैं। बेस यहाँ देख सकते हैं, परीक्षा निवांग प्राधिकारी ने भी यही माना है कि जो भी 28/6/2018 को एनसीटी द्वारा गाइडलाइंस ये दिया गया है कि बीएड धारियों जो भी बीएड प्रशिक्षु हैं उनको प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस जो जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला था उसको मान्य किया गया और ये पूरा मैटर रद्द कर दिया गया। अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा हैं कि ये पूरा मामला जो है डीएलएड के पक्ष में ही जाएगा। बाकी अब नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 14 जुलाई को रखी गई है और रिजल्ट पर अभी भी स्टे बरकरार है। आगे देखिए क्या होता है, इस बीच क्या प्रक्रिया रहती है, एनसीटी क्या दिशा निर्देश क्या प्रूफ करता है, ये तो अब आप सभी को आगे कोर्ट
में जो है देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट हियरिंग डेट में। बाकी आप सब ये अभी क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। क्या आप भी चाहते हैं कि जो भी बीएड के प्रशिक्षु हैं उनको प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया जाए, या फिर आपको ये चाहिए कि नहीं अगर इनको मौका दिया जा रहा है तो हमें भी टीजीटी पीजीटी या फिर और भी मौके हमें प्रदान किया जाए। बाकी आप अपना विचार रखिए। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप सभी के लिए ही बेनिफिट्स होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।